पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिनों के दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी यात्रा पर भी देश में जारी हिंसा ने असर डाल दिया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष बेगम खालिदा जिया ने भारतीय राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ढाका पहुंचने पर उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई गई थी और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये मुखर्जी की पहली विदेश यात्रा है, लेकिन ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। देश की विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी साल 1971 के युद्ध अपराध के लिए अपने शीर्ष नेताओं को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को मृत्युदंड देने की मांग कर रहे और इसका विरोध कर रहे जमात इस्लामी के नेताओं के बीच संघर्ष में अब तक करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 14 लोगों की मौत तो आज ही हुई। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी प्रस्तावित मुलाकात को रद्द करने के पीछे इसी संघर्ष को वजह माना जा रहा है। दरअसल जमात इस्लामी और खालिदा जिया की BNP का सियासी गठबंधन है और युद्ध अपराध में अपने शीर्ष नेताओं को मिल रही सजाओं के खिलाफ जमात इस्लामी ने 3 से 5 मार्च तक हड़ताल आयोजित की है, जिसके समर्थन में BNP ने भी 5 मार्च को बंद का आह्वान किया है, जो कि प्रणब मुखर्जी के बांग्लादेश दौरे का आखिरी दिन होगा।